मुजफ्फरपुर को मिला तीन तीन नई ट्रेन और इस अपडेट में जानेंगे बिहार को इस बार कौन से रेलवे स्टेशन के लिए यह ट्रेन मिली है। नमस्कार दोस्तों, रेल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। बिहार में बाढ़ के कारण समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत सगौली और मंझोलिया रेलखंड के मध्य रेल पुल के पास जलस्तर बढ़ने से ट्रेन समय बाधित हो रही थी, लेकिन 12 जुलाई के बाद से जलस्तर में काफी कमी आई है और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक को परिचालन के लिए फिट पाए जाने के बाद फिर से परिचालन को लेकर के हरिजनदीप ट्रेनों का मिला है। और ऐसे में बिहार में बाढ़ के कारण समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली कई ट्रेनों को हरिजनदीप यानी कि दोबारा चलाने की कवायद तेज हो गई है। 12 जुलाई को मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेन नंबर 09270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर स्पेशल ट्रेन आज अपने नियमित मार्ग मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी बेतिया नरकटियागंज के रास्ते गुजरी। वहीं मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेन नंबर 05001 मुजफ्फरपुर देहरादून स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी नियमित मार्ग मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी बेतिया के रास्ते किया गया। कुछ इस तरह बिहार को दो नई ट्रेनें मिल गई। चूंकि इनका परिचालन बदले हुए रूट से हो रहा था, तो ऐसे में लोकल यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने के लिए कोई अलग रेलवे स्टेशन का रुख करना पड़ रहा था, लेकिन वापस से इन दोनों ही ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने पूर्व के यानी कि पहले से जो ये ट्रेन चलती थी जो रूट से वही रूट से चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। चूंकि बिहार में बाढ़ का असर अब कम होने लगा और ऐसे में आने वाले समय में कुछ और भी नई ट्रेनें वापस लौट सकती है। इस ट्रेन के अलावे भागलपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली जो कि नियमित मार्ग होकर गुजरी बापूधाम मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया के रास्ते चलाई गई पाटलिपुत्र से खुलने वाली ट्रेन नंबर 05201 पाटलिपुत्र नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन जिसका आंशिक समापन मुजफ्फरपुर में किया जाना था, वह ट्रेन भी अपने नियमित रूट मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सगौली के रास्ते गुजारी गई। इन सभी ट्रेनों का परिचालन पूर्व के रूट से ही देखने को मिला और आज से यह ट्रेन अपने यही रूट से चलेगी। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर लें आगे।